बहार का आज पहला दिन है। चलो चमन में टहलके आए, हवा में खुशबू नई नई है। एक बार आप आवाज करके बताइए किनको किनको ये गाना पसंद है। हवा में खुशबू नई नई है, दिलों में रंगत नई नई है। खामोश लबों झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लबों झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। जो खानदानी रईस है वो गरज बसा करे गम मगरी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा है, तुम्हारा लहजा बता है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नहीं नहीं।
फरमाइश हमारे वीडियो साहब की है। मैं बता दूं कि सर इसमें एक पंक्ति आजकल मैं गा रहा हूँ, मेरी तरफ से लिखी हुई है, वो आप लोग सुने ने बहुत बहुत खानदानी रही होगी तो बहुत तारीफ कर ली हम लोगों ने, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नए नए मेहनत करके नई दौलत जिन्होंने बनाई है उनकी भी तारीफ में शेर पढ़ रहा हूँ। रईस लोगों के घर के बच्चे, रईस लोगों के घर के बच्चे उड़ा रहे हैं पुरानी दौलत, मेहनती है मेरी नजर में, मेहनती है मेरी नजर में, वो जिनकी दौलत नहीं नहीं है, झुकी है पलके दिलों में उल्फत नहीं है, झुकी है पलके दिलों में उल्फत नहीं है, दिलों में उल्फत नहीं है, दिलों में उल्फत नहीं है। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो, हो गई अब तो बेरा पिता की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी ना रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे मुझे। हे सखी कोई मई के सदा ना रहा, हर सुहागन को ससुराल जाना पड़ा, अब तो रोना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोली में जल्दी बिठा दे मुझे। छूटे माता पिता छूटे भाई बहन, छोटी बचपन की सखियां मेरी है सखी, अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, धोने वाली चुनरिया उड़ा दे मुझे, चूड़ी वाली आई मेरे गांव में आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां, चूड़ी वाली ये बोली कि दो चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। कांच की चूड़ियों की क्या महत्वता है हमारे सनातन समाज में, कांच की चूड़ियां भी अजब चीज है, किस बुलाते तो हूँ ये अजब चीज है, देखने में तो शीशे की लगती है,
आदमी है और उसकी बीवी उसे कई सालों से कह रही है कि मेरे पास कोई भी सोने की जेवर नहीं है, तो मुझे कुछ सोने का कंगन ला कर दो। तो बीवी कहती है अपने शौहर से, था किसी का गरीब आदमी यानी बेबस और बदनसीब आदमी, आज तन्हा इसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का दिन था। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, अपनी शादी को कितने बरस हो गए, कान में कच्ची कड़े की भी तेवर नहीं, जिस्म पर मेरे कोई भी तेवर नहीं, जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने की कंगन तुला दे मियां, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं अब ये कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। क्रांति झा जी ने 101 रुपए से नवाजा है, इस बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए भाई उनके लिए। जब बीवी ने कहा कई साल हो गए मेरे पास कोई सोने की जेवर नहीं है, तो उसके शोहर ने कहा, बोला शोहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता, मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इतराजनो, अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है, माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है, कैसे ला दूँ मैं सोने की कंगन तुम्हें, कैसे बतलाऊँ मैं घर की उलझन तुम्हें। जब पति ने अपने घर की हालत बताई तो बीवी क्या कहती है, बात शोहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, वह सीने पे लग करके कहने लगी, बात शोहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी। और ये मैं बता दूं कि इस नगमे को पूरे बिहार में, पूरे यूपी ने, इनफैक्ट पूरे भारत की माताओं और बहनों ने लाखों की संख्या में सुना है। तो जब पति ने अपनी हालात बताए तो उसकी बीवी रो पड़ी और कहती है, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, और मेरे सर ताज सोने से कुछ कम नहीं, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, चूड़ियां 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 चूड़ियां, कांच की 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 चूड़ियां। शेर है कि अपनी वफा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूँ, और कोई कुछ पूछे तो टाल देता हूँ,
ठोकरें उसी की खाता हूँ जिसके पांव से कांटा निकाल लेता हूँ। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, मैं पहले जाना चाहूंगा क्या बात है भैया आपके लिए, एक बार हमारे मान की तरफ से मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ। आप लोगों में से एक बात बताएं, गजल सुनना किनको किनको पसंद है? चलिए माँ सरस्वती की इतनी तो कृपा है मेरे पे कि आप लोगों को इतना पसंद है, तो गजल के साथ साथ आप लोग तालियां बजाएंगे मेरे साथ। 1 2 3 4 लोग राहों में कांटे बिछाते रहे और हम लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लेकिन हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। उन्हें कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है कि आप जब किसी को बेहद चाहे और किसी की आंखों में आप आंसू ना देखना चाहें, लेकिन उसका उलट होता क्या है? मैंने उनको भी ना रोने दिया, वो सितम पर सितम हम बिठाते रहे, वो सितम पर सितम हम बिठाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। हमारे बीच कृष्ण कुमार यादव जी का आगमन हुआ है, हमारे बीच वो उपस्थित हैं, अध्यक्ष और जिला परिषद खगड़िया एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, उनको एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों की तरफ से। कोई सुनता नहीं है तूने ना सुने, बहुत
काबिले गौर शेर है। जिंदगी में जब आप कोई सुनने वाला ना हो फिर भी आप आगे बढ़ते चले, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने। कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, 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 पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, राहों में कांटे बिछाते रहे। भाई साहब ने आगे कहा कि इस गजल की इस पंक्ति को एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए, तो पेश कर रहा हूँ भैया। आप लोग देखो यार, क्या है कि वीडियो तो मेरा लाखों की संख्या में आपको मिल जाएगा और लाखों लोग देख दे रहे हैं, तो आप वीडियो ना बना के यहाँ पे सुन लो, है ना। कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है सुने ना सुने, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, पर गजल अपनी हम गुनगुनाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, बिछाते रहे, बिछाते रहे। एक गली से एक लड़की बुरखा पहन के गुजरती है और उसे देखकर एक लड़का कहता है, है परदानशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन बीत गए और लड़का रोज कहता था कि ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा, मेरे मोहब्बत को कबूल कर अपना जलवा दिखा। एक दिन ऐसा आया कि लड़के ने कह दिया कि ऐ पर्दा नशी अपना पर्दा हटा वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। और अगले दिन जब वो उसको लड़की नजर नहीं आई तो उसने पता किया तो पता चली बात कि उसने कल रात खुदकुशी कर ली, वजह क्या थी नहीं पता। तो वो उसके कब्र पे जाके कहती है, ले आई हूँ तेरी मजार पर, ऐ मेरे गुमनाशिक, ले आई हूँ तेरी मजार पर, ले रुख से नकाब हटाती हूँ अपना, जी भर के मेरा दीदार कर। बातें खत्म नहीं हुई, कब्र से आवाज आई, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है, ऐ खुदा ये तेरा कैसा इंसाफ है कि आज मैं पर्दे में हूं और वो तेरे नकाब। तड़प ये इश्क की दिल से सही नहीं जाती,
न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से लौट के कोई सदा नहीं। गाने के बीच में साथ साथ हमारे नृत्य तालियों के साथ कौन देगा तालियों के साथ? ओ इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बतिया है जानी, याद 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 बतिया है जानी। आगे की लाइन आपको बताए, नहीं सारे लोग बताए, एक को तो नहीं, आप बताएं क्या है भैया? बड़े सुरीले लोग हैं। याद याद रात याद जाए, आजा आजा मेरी कफा तुझे बुलाती है, एक नारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 एक बार मेरे साथ बजा रहे साजिंदों के, एक बार गोपाल साजी आपको बजा रहे अपनी तरफ से। याद मेरे को तना है हसी ताज महल, याद में कोई के शानों सहन शोक गजल, दिल के दरिया खिलता है खाबों कमल। याद आते हमेशा हो गुजरे हुए पल, तू नहीं है तेरी याद हमें तड़पाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। तू नहीं है तेरे याद हमें तड़पाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 I'm not afraid to die।
गजल में चार पंक्तियां आरजू बानो जी की है, गजल का रख दिया था ऐसे ही चलते चलते। और आलम यह है कि आज कम से कम उस पे 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको सुन लिया है। ये तेरा शहर तेरा परसान नहीं, तू अगर
कृष्णा।